अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने बनाने हैं ग्रेवी वाले टींडे, जिसके लिए मुझे चाहिए 2 अदद अनियन, जो कि मैंने एक मीडियम साइज लिया है और एक उससे छोटा है। इतना सा हमें गार्लिक चाहिए और ये मैंने ऑलरेडी पेस्ट बना ली है टमेटो की। अब स्टार्ट करते हैं रेसिपी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैंने डाल देना 60 ml ऑयल इसमें। इसमें मैंने डाल दिया प्याज, जो कि 2 प्याज मैंने काटे थे उनको मैंने ग्राइंड कर लिया था, और इसमें डाल दिए हैं। ये मैंने लहसुन को भी ग्राइंड कर लिया है। मैंने इसमें डाल दिया अब टमाटर। अब मैं इसमें डाल दूंगी स्पाइस। मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून जो है ना, वो मैंने इसमें 2 एक्चुअली मैंने जीरा डाला है। सॉरी, मेरा बेटा पीछे शोर कर रहा है। ये मैंने एक ये डाल ली है हरी लाल मिर्च की, और ये मैंने हल्दी डाल दी है, और ये मैंने डाल दिया नमक। इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इनको मैं 1 to 2 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनूंगी, ताकि कच्चेपन की जो भी स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। टींडे मैंने अच्छी तरह धो के काट लिए हैं, उनको पानी में रखा है, और अब उसमें डाल दूंगी। मैंने टींडे भी डाल दिए हैं, अब इनको मैं करूँगी मिक्स। कर लिया मिक्स अच्छी तरह, इनको मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इनको मैं भूनूंगी 5 to 6 मिनट के लिए। अब मैं इसमें डालूंगी पानी, जो कि मैंने डालना है 1 कप। देखते हैं और कितना चाहिए। मैं एटलीस्ट 1 कप और डालूंगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को थोड़ा ग्रेवी वाला पसंद है। आपको ग्रेवी नहीं पसंद तो बेशक थोड़ा सा भर के पानी लगा, आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के दम पे भी लगा सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा मुझे ग्रेवी चाहिए, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पानी डालना है। अब मैं इसको कवर कर दूंगी एटलीस्ट 15 मिनट के लिए, फिर चेक करते हैं। अब करती हूँ चेक। देखने को तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। अब एक तोड़ के देख लेते हैं। यह बिल्कुल 100% गल गए। इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला एंड कसूरी मेथी। अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, और इसके बाद मैं स्टोव बंद कर दूंगी। ग्रेवी वाले टींडे हो गए हैं रेडी। अगर कोई गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।